हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में एक घोड़ा है और एक कार्ट है। घोड़ा कब कार्ट को खींच पाएगा ये आपको कंडीशन बतानी है। कार्ट का मास है बड़ा एम और जब ये आगे चलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे है। ये रहा घोड़ा, घोड़ा पॉइंट कितना ड्रॉ किया है, घोड़े की शेप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो है बनाते हैं, शेप यहाँ नहीं लेते, चाहे ट्रक है चाहे चाहे कार है, चाहे ट्रक चाहे हॉर्स चाहे काओ, एम है तो इसका मास छोटा एम है। तो इसका वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अब वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, अब हॉर्स जब चलता है तो ऐसे नहीं चलता कि अपने टांगों को ऐसे जमीन पे ऐसे फोर्स लगाता है और वो आगे चल रहा है, नहीं आप भी नहीं, आप जंप कर सकते हैं जमीन पे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा के, आप चल नहीं सकते, ना आप चल सकते ना घोड़ा चल सकता है। हम अपने पैरों को पीछे, अगेन पीछे फोर्स लगाते हैं ताकि हमें फ्रिक्शन हेल्प करे, यही होता है। घोड़ा भी ऐसे करता है, घोड़ा कभी अगर देखा हो आपने तो अपने टांग को पीछे लगाता है, एफ फोर्स लगाता है ग्राउंड पे टेढ़ा। जब घोड़ा एफ फोर्स लगाता है तो रिएक्शन मिलता है उसको इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर। अगर घोड़ा खड़ा है तो आर ऊपर है, अगर वो ऐसे फोर्स लगा रहा है तो आर टेढ़ा है, तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा है। अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे अगर ये थीटा है तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, पर हमने थीटा एंगल का चक्कर डाला नहीं तो इसको डिवाइड करके एच और वी। अब इसके अंदर रस्सी के अंदर टेंशन टी एन टी, इसके अंदर जो इस रिएक्शन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है घोड़े के वेट को कैंसिल कर जाता है ना, बैलेंस कर गया, तो घोड़ा उड़ता नहीं है ऐसे, तो घोड़ा हॉरिजॉन्टल चलेगा। हॉरिजॉन्टल चलाने में कौन सी फोर्स को हॉरिजॉन्टल चला रही है, एच, और कौन रोक रही है यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब थ्योरेटिकली तो बहुत क्लियर है, हॉरिजॉन्टल आगे की फोर्स अगर बड़ी होगी पीछे की फोर्स से घोड़ा चलेगा, तो घोड़े के चलने के लिए एच शुड बी ग्रेटर देन टी, सॉरी एफ। लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे, कार्ट की इक्वेशन बनाओ, मान लो सब एक्सेलरेट कर रहे हैं अभी दे, तो कार्ट के लिए टी माइनस एफ इज एम इन टू ए, तो टी माइनस एफ इज एम ए, और हॉर्स के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है एच और बैकवर्ड फोर्स क्या है टी, एच माइनस टी इज छोटा एम इन टू ए। ये घोड़े के लिए, ये कार्ट के लिए, इन्हें ऐड करो, टी एन टी कैंसल, सॉल्व करके ए आ गया। अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा चले और एक्सेलरेट करे, तेज दौड़े, एक्सेलरेट करे, वेलोसिटी बढ़ाए, तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होनी जरूरी है, और पॉजिटिव तब आएगी जब इस केस में न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा। एच माइनस एफ शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ऐसा तब होगा जब एच शुड बी ग्रेटर देन, मैथमेटिकली प्रूव करना है, यहां तक लिख के आना है।